अगली खबर में बात करते हैं बहराइच की, जहां विश्व वृद्ध सम्मान दिवस पर आज बहराइच में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। बहराइच के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र एवं उप जिलाधिकारी सुभाष सिंह धामी ने नागरौर स्थित वृद्धा आश्रम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी दिनेश चंद ने वृद्धा आश्रम में रह रहे लोगों से हालचाल पूछा और आश्रम के द्वारा दी जा रही सुविधाओं की हकीकत को जाना। इस दौरान वृद्धा आश्रम में मौजूद एक वृद्ध जन ने डीएम को बांसुरी की आवाज सुनाकर मन मोह लिया। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए डीएम ने कहा है, इंसान को अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि ऊपर वाले हर उन बच्चों को कामयाब करता है जो अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट में। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में अपने बुजुर्गों से, अपने जितने भी हमारे प्राचीन लोग हैं उनसे आशीर्वाद लेने की सदैव परंपरा रही है। और आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन सम्मान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से जनपद बहराइच में भी वृद्धजनों के भरण पोषण के लिए वृद्धाश्रम संचालित है। यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं मानक के अनुरूप है। हम लोग समय समय पर आते रहते हैं, यही नहीं कि केवल आज वह अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन सम्मान दिवस है तो भी आते हैं। हर प्रकार के त्यौहार पर, हर प्रकार की कभी भी स्वास्थ्य परीक्षण हम लोग कराते रहते हैं कि यहाँ पर जो भी प्रवासित वृद्धजन है उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। मुझे यहाँ पर आकर प्रसन्नता होती है और अपने माता पिता का भी स्मरण याद आती है। उनके जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, जिसके बल पर आज हम लोग यहाँ पर हैं, उन आशीर्वाद की प्रतिध्वनि, प्रतिछवि इन वृद्धजनों के आशीर्वाद से मुझे मिलती है। इसलिए मैं यहाँ पर आकर अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। साथ ही सभी अधिकारियों से निवेदन भी करता हूँ कि यहाँ जो भी प्रवासी हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। जय हिंद, जय भारत।